रेलवे स्टेशन पर कई बार हादसे में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। कई ऐसे हादसे हमने देखे हैं, लेकिन एक शख्स के ऊपर से अगर रेल इंजन और दो डिब्बे जाने के बावजूद शख्स की जान बच गई है, रेल पुलिस कर्मियों की मदद से शख्स को बचाया गया है। चिंचवड़ स्टेशन पर यह घटना सामने आई है। प्रकाश भागवत माली ऐसा शख्स का नाम है, वहीं अनिल बागुल नामक पुलिसकर्मी ने शख्स की जान बचाई है। रेल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाश माली नामक शख्स मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से पूरे शहर में नौकरी की तलाश में आया था। पिछले 3 दिन से प्रकाश काम ढूंढ रहा था, लेकिन कोई काम न मिलने से घूमते हुए चिंचवड़ स्टेशन पहुंचा। पैसे खत्म होने की वजह से प्रकाश को भूखे रहकर दिन गुजारा करना पड़ रहा था। रेल पटरी से गुजरते वक्त अचानक प्रकाश को चक्कर आने से पटरी पर गिर गया। उसी वक्त वहां से पनवेल पैसेंजर गुजर रही थी। पटरी पर शख्स को देखकर रेल चालक ने भी ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक इंजन समेत 2 डब्बे उसके ऊपर से गुजर चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जब तक समय नहीं आता तब तक मौत भी नहीं आती। ऐसा ही कुछ प्रकाश के साथ हुआ। लोगों को घटना पता चलते ही रेल पुलिसकर्मी ने प्रकाश को बेहोशी की हालत में रेल के नीचे से निकाल लिया गया और उस पर इलाज किया गया। अनिल बागुल समेत पुलिसकर्मियों प्रकाश की जान बचाकर फिर एक बार इंसानियत अभी भी जिंदा है की मिसाल कायम की है। प्रकाश माली का कहना है कि गांव की तरफ नौकरियां ना होने से पुणे में आया था, लेकिन यहां भी नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ दिन से खाना न खाने से चक्कर आकर पटरी पर गिर गया और यह हादसा हुआ। होश में आने के बाद पुलिसकर्मी ने घटना की हकीकत बताई। हम पुलिस हवलदार बागुल चिंचवड़ स्टेशन पे ड्यूटी पे दिन पाली को थे। उस समय पनवेल एक्सप्रेस आपकी पनवेल एक्सप्रेस जा रही थी। उस टाइम में एक अज्ञात व्यक्ति गाड़ी के चक्कर आने के वजह से गाड़ी के नीचे आ गए। उसके ऊपर से इंजन और तीन डब्बे उसके शरीर के ऊपर से गिर आगे गए। उस दौरान जर्नी करने वाले लोगों ने चिल्लाया, तब हम दौड़ के गए और उनको ट्रेन के नीचे से बाहर ले आया और उसको बचा लिया है। मैं 3-4 दिन से काम के लिए आया था पुणे में, मेरे को काम नहीं मिला। मैं इधर रेलवे स्टेशन पर आया, मेरे पास जो पैसा था वो ख़त्म हो गया। मैं इधर लेटरिंग के लिए आया था, मेरे को चक्कर आया, मैं नीचे गिर गया। फिर इससे वो पुलिस वाले जो है यही के ही होंगे, कुछ 2-4 लोग भी थे, उन्होंने मेरे को बाहर निकाला। वहाँ तक पहुँचाया, पुलिस ने भैया लाया, क्या हेल्प किया, नाश्ता कराया, चाय पिलाई। बस सर इतना मिस कर बोल सकता। वी एस आर एस न्यूज पुणे।